बिजनौर के रैहट क्षेत्र में फिर से एक खूंखार गुलदार ने एक 10 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने खूब हंगामा किया। दरअसल आपको बता दी कि जनपद बिजनौर में गुलदार की संख्या कुत्ते बिल्लियों की तरह हो चुकी है, जिसके चलते जंगल के आसपास पड़ने वाले सभी गांवों में गुलदार का खौफ इतना हो चुका है कि लोग अपने खेतों में जाते हुए भी घबरा रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को भी बिजनौर के रहर क्षेत्र में गांव बादशाहपुर निवासी सुखेंद्र सिंह का 10 वर्षीय पुत्र अभिजोत सिंह व 8 वर्षीय महकदीप कौर के साथ गुरुवार की शाम घर के नजदीक ट्यूबवेल में नहा रहे थे। इस दौरान गन्ने के खेत से निकलकर आए एक गुलदार ने महकदीप पर हमला कर दिया। महकदीप पर गुलदार को हमला करता देख अभिजोत गुलदार के चंगुल से महकदीप को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद गुलदार ने महकदीप को छोड़कर अभिजोत को हमला कर गन्ने के खेत में खींच कर ले गया। महकदीप के शोर मचाने पर नजदीकी खेत में चारा काट रहे अभिजोत के चाचा जितेंद्र सिंह ने अभिजोत को गुलदार के कब्जे से छुड़ाया और गंभीर रूप से घायल अभिजोत को आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल अभिजोत को मृत घोषित कर दिया। एकलौते पुत्र अभिजोत की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। उधर घटना की सूचना देने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अभी 10 दिन पहले यहाँ 3 घंटे पड़ा, जंगलात वाले आए, गाड़ी लगा, साफ कदम गाल लगा तो एनर एनर को फ्रीजर का इंतजाम करना, हाँ फ्रीजर का इंतजाम करना पड़ेगा। यार मालूम हाँ जी, कहाँ कहाँ आप थोड़ा आलम समझा देंगे, बड़ा मगाओ भी तो गैलन क्या नहीं नहीं मारने का ऑर्डर दो बस, मिलेगा लेकिन आप पहले एक बात सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मनविंदर सिंह। ये आज क्या घटना हुई बस? ये जो हमारे भतीजे को गुलदार ने फाड़ दिया सर। क्या नाम था आपके भतीजे का? अभिजोत सिंह। कहाँ पे हुई घटना? ये बादशाहपुर। आपके घर से कितनी दूर हुई है? घर से 100 मीटर। आपने इस घटना की सूचना दी है किसी अधिकारी? जी। कौन कौन लोग मौके पर आए हैं? वन विभाग वाले आ चुके हैं। ये कितने बजे घटना है? ये लगभग 4:30 के बीच की बात है।